मुजीब साहब पटना से ये करते हैं कि तनख्वाह में हर महीने कंपनी कुछ पैसों को हमारे रोक लेती है और रिटायरमेंट के बाद वो रकम हमें वापस मिल जाती है, तो इन पैसों पर जो कंपनी ने रोके हुए हैं ज़कात का क्या मसला है। देखिएगा, सेम इसी सवाल के जवाब में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा लिखा है कि तनख्वाह से जितनी रकम हर महीने जबरी और गैर इख्तियारी तौर पर हमारी कट जाती है और हमारे फंड में उसको जमा कर दिया जाता है, तो उस कटी हुई रकम पर दौरान मुलाजमत यानी जब तक हम काम कर रहे हैं उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता रिटायरमेंट के बाद में जब वो रकम हमें मिलेगी, हम उसके मुकम्मल तौर से बाइख्तियार मालिक बन जाएंगे, तो उस वक्त में हस्बे शर्त उस पर ज़कात वाजिब होगी। हस्बे शर्त का मतलब उस वक्त में अगर हम साहिब निसाब हैं और वो रकम इतनी है कि उसकी वजह से हम साहिब निसाब बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों को उसमें शामिल करके और मुकम्मल हिसाब लगाकर फिर हमारे लिए उस पर ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा।